नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विशाल शर्मा आपका बेहद स्वागत करता हूं अपने प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हमारा जो 2021 का यूपीएससी का एक एग्ज़ाम है उसके लिए हम आपको डेली अपडेट्स करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग और बाकी जो करंट अफेयर्स जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग हम आपको डेली अपडेट्स दे रहे हैं आशा करते हैं कि आपको वो सारे करंट अफेयर्स समझ में आ रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में हमें हमारे कमेंट्स हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उनके रिव्यूज़ भी साथ साथ में दे सकते हैं ताकि हम अपने आगे आने वाले वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें दोस्तों आज करंट अफेयर्स के सेशन में हम दो नए करंट अफेयर्स दैट इज़ वन मर्जर ऑफ थ्री सुपर मैसि ब्लैक होल्स इसके बारे में बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रिसेंटली कंडक्टेड मालाबार एक्सरसाइज 2021 ये क्या है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्रॉक्सी गयन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं तो दोस्तों आ, पहला करंट अफेयर इज़ रिगार्डिंग ब्लैक होल सो ब्लैक होल के बारे में आपने अपने स्कूल के फिज़िक्स सब्जेक्ट में बहुत बार पढ़ा होगा तो इसके रिगार्डिंग एक करंट न्यूज़ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में आपको पूछा जा सकता है सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स थ्री सुपर मैसिव ब्लैक होल्स दे हैव डिस्कवर्ड फ्राम एज मैनी गलेक्सीज फ्राम अ ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिव न्यूक्लियस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस से इन्होंने थ्री सुपर मैसि ब्लैक होल्स को रिसेंटली डिस्कवर किया है ये क्या है ये ब्लैक होल्स ये सुपर मैसि ब्लैक होल्स क्या हैं इनके बारे में हम आगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहती है कि जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाँ हैं दे उनके जो पेयर्स हैं दे हैव बिन डिटेक्टेड इन द पास्ट बट ट्रिपल ए जी एंड दे आर एक्सट्रीमली रेयर क्योंकि जो अभी हमें सुपर मैसि ब्लैक होल दिखे हैं दे आर थ्री सुपर मैसिव ब्लैक होल्स रिसेंटली जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं एंड ओनली फ्यू ऑफ दैम हैंडफुल ऑफ दैम दे हैव बिन डिटेक्टेड बिफोर यूजिंग द एक्स रे ऑब्जर्वेशन सो एक्स रे एक टेक्निक है जिसके थ्रू ये इन ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं सो so, अगर हम थ्री इन सुपर मैसि ब्लैक होल्स की बात करें सो so, नॉर्मली दे यूज टू स्टडी द एजियन जो ब्लैक होल है उनको स्टडी करते थे इन द टू मैसिव बार्ड स्पायरल गलेक्सीज जिनके नाम है एन जी सी डबल सेवन डबल थ्री एंड एन जी सी डबल सेवन थ्री फोर तो इन्होंने इन दो मैसिव स्पायरल गलेक्सी को स्टडी करते करते इनको कुछ अनयूजअल एक्टिविटीज उस समय इनको दिखी जिसके लिए बहुत ही क्यूरियस थे एंड दे During that curiousness to find out that particular movement, they found these three supermassive uh, black holes. And the scientists, uh, the th uh, which they have discovered a third uh, separate galaxy, the scientists have named it as NGG NGC 7733. And all the three, these black holes, they were part of the galaxy's Tauken constellation. प्लीज़ रिमेंबर दिस ये जो तीनों गलेक्सीज के नाम मैंने बताए हैं एन जी सी से देवर द पार्ट ऑफ गलेक्सीज इन द टन कंसलेशन अगर मैं टाउकन कंसुलेशन की बात करूँ सो इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिसफेयर ऑफ द स्काई एंड इट इज़ विजिबल एट लैटिट्यूड ऑफ फिफ्टीन डिग्रीज बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर टाउकन कंसिलेशन लुक्स लाइक एज यू कैन सी इन दिस डाइग्राम

फिजिसिस्ट्स और द साइंटिस्ट्स। और अगर हम बात करें uh, इनकी डिस्टेंस uh, की सो दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ और फ्रॉम अवर नियरेस्ट गलेक्सी विच इज़ मिल्की वे सो जो हमारा सबसे गलेक्टिक नेबर सबसे जो हमारे नज़दीक है विच इज़ कार्ड एस एंड्रोमेडा मेडा गलेक्सी एंड विच इज़ सपोज टू बी टू मिलियन लाइट अवे फ्राम आस सो so, अगर हम ए जी एन के बारे में बात करें विच इज़ कॉल्ड एज एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिया सो दीज आर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एज़ आई टोल्ड यू एंड विच आर सेवरल मिलियन सोलर मासिज इन साइज सोलर मास में इनका जो मास है बहुत ही ज़्यादा है दे आर ह्यूज एंड एंड दे आर एट देंटर ऑफ द गलेक्सीज एंड दीज आर नोन एज ए जी एन तो उसके बेसिस पे ही जो तीन रिसेंट इन्होंने ब्लैक होल्स फाइंड आउट किए हैं उनके नाम ए जी एन से ही स्टार्ट है

अगर हम थर्ड ब्लैक होल जो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया इफ 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 अगर हम इसकी जो भी मिस्ट्री है सॉल्व कर पाएँ सो इट कैन यू नो सॉल्व द मेनी प्रॉब्लम्स विच वी आर मेनी प्रॉब्लम्स एज वेल एज द क्वेश्चंस विच द साइंटिस्ट हैव इन देयर माइंड रिगार्डिंग द वैरायटी ऑफ गलेक्सीज इन दोल इन द यूनिवर्स सो so, uh, इस फाइंडिंग का अगर हम बात करें अगर इसके क्या सिग्निफिकेंस है सो दिस फाइंडिंग शोज दैट मल्टीपल एक्रिटिंग ब्लैक होल्स विच आर एजियंस दे मे बी मोर कॉमन इन अवर यूनिवर्स एंड स्पेशली कॉमन इन द गलेक्सी ग्रुप्स सो द ग्रोथ ऑफ दीज ब्लैक होल्स मे बी ड्रिवन बाय द सर्च मर्जर्स इन दिस ग्रुप्स सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दि साइंटिस्ट टू नो अबाउट दिज ब्लैक होल्स एंड नो एंड अनिवील रिवील दिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स तो ब्लैक होल अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ विच यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर स्कूल क्लासेस इन फिजिक्स सो इट रेफर्स टू ए पॉइंट इन अ स्पेस इट एक ऐसा पॉइंट है एक ऐसा स्पेस है एक ऐसी जगह है पूरे स्पेस में वेयर द मैटर इज़ सो कम्प्रेस जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा जिसकी वजह से वहाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है और इतनी वो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जोर्ट होती है कि इवन लाइट इट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फील्ड सो इट्स कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल वॉज थ्योराइज बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इट इन नाइनटीन फिफ्टीन एंड द टर्म ब्लैक होल वॉज क्वेंड इन बाय अमेरिकन फिजिस जॉन एक्कीबाल्ड वीलर सो अगर ब्लैक होल्स की कैटेगरीज की बात करें सो दे बिलोंग टू टू मेजर कैटेगरीज वन कैटेगरी रेंजिस बिटवीन अ फ्यू सोलर मासिज एंड टेन्स ऑफ सोलर मासिस एंड दे आर थर्ट टू फॉर्म वेन मैसिव स्टार्स टाई तो ये तब uh, बनने की साइंटिस्ट uh, uh, कहते हैं कि ये तब बनते हैं जब बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं दे डाई एंड कलेक्टिवली दे फॉर्म दिस पर्टिकुलर ब्लैक होल सो द अदर कैटेगरी इज़ ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसके रिगार्डिंग आज हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं इनकी सो दे रेंज फ्राम हंड्रेड टू थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ़ टाइम्स टू दैट ऑफ द सन फ्राम द सोलर सिस्टम टू विच अर्थ बिलोंग्स तो इनका जो साइज है या इनके जो डिस्टेंस है वो सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा है बहुत दूर है जिसमें सोलर सिस्टम है वील्सो बिलोंग आवर अर्थ ऑल्सो बिलोंग टू सो दोस्तों uh, अगर हम दूसरे करंट अफेयर की बात करें तो रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज ट्वेंटी ट्वेंटी बिटवीन द नेवीज ऑफ द फोर डिफरेंट कंट्रीज एंड यू शुड नो द नेम ऑफ दोट्रीज परफॉर्म दिस मालाबार एक्सरसाइज इट इन्वाल्वस इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स जपान एंड ऑस्ट्रेलिया सो दे आर आल्सो कॉल्ड ए स्क्वाड

सो so, uh, अगर हम बात करें मालाबार एक्सरसाइज़ की जैसे मैंने कहा इट्स ए मल्टीलेटरल वार गेमिंग नेवल एक्सरसाइज़ चार देशों की ये जो नेवी नेवल फोर्सेस है उनके बीच में एक क्वाडी uh, uh, एक uh, आप कह सकते हैं कि एक नेवल uh, एक्सरसाइज है uh, जो अपने नेवल क्षमता या उनके जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं सो टू मोर अडिशन्स ऑफ़ दिस एक्सरसाइज वर कैरिड आउट इन नाइनटीन नाइन्टी फाइव एंड नाइन्टी सिक्स एंड इट वॉज स्टार्टेड वे बैक इन नाइनटीन नाइन्टी टू सो दिस ईयर इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन द ट्वेंटी फिफ्थ एडिशन ऑफ दिस मालाबार एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड सो अर्लियर अगर बात करें तो ये ये एक बाइलेट्रल एक्सरसाइज थी सो इट वॉज बिटवीन इंडिया एंड यू एस एनली बट लेटर ऑन जपैन एंड ऑस्ट्रेलिया दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड दे आर नाउ द पर्मानेंट मेम्बर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नेवल एक्सरसाइज सो मेन ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो uh, क्योंकि चाइना एक एमर्जिंग वर्ल्ड पार है सो इट वॉज बिकॉज भारत के uh, एक पॉलिसी रहती है कि वो सभी देशों के साथ एक फ्रेंडली लेशन्स बनाने की कोशिश करता है बट uh, अगर हम चाइना या पाकिस्तान की बात करें सो वी आर नाट ऑन गुड टर्म्स विद चाइना एंड पाकिस्तान एट द मोमेंट सो एक ये uh, दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइज करने का मेन मोटिव यही है टू शो दैट वी ऑल्सो आर केपेबल इनफ इन टर्म्स ऑफ अवर डिफेंस फोर्सिस अगर हम चाइना को बात करें सो so इट uh, इंडिया के रिक्वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में इसलिए ज्वाइन किया था इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन सो चाइना के लिए uh, एक ये एक बहुत ही uh, सोचने वाली uh, चीज़ भी है कि uh, इंडिया जो है इट इज़ गेनिंग यू नो फ्रेंडशिप विद मैनी ऑफ द कंट्रीज विच चाइना इज़ नॉट इन गुड टर्म्स विद अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें सो सच कम कॉम्प्लैक्स एक्सरसाइजिज दे कैन फर्दर एनहस द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द दीज फोर नेशंस एंड अगर हम बात करें एक सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक कोलेशन की सो इट इज़ ऑल्सो ए मेजर पार्ट एंड स्टेप टूवर्ड्स बिल्डिंग ए सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक कोलेशन दे बाई एड्रेसिंग अ मैसिव स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस विच वॉज जनरेटेड बाई इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री पावर पावरफुल चाइना तो चाइना को एक तरह से बताने के लिए कि भारत की तरफ से ये एक मैसेज भी दिया जाता है कि येस वी आर ऑल्सो यू नो गोइंग नेक टू नेक विद यू एंड वी आर नॉट वेरी फार बिहाइंड विद यू एंड दिस इज़ आवर मिलिट्री स्टैंड दिस इज़ आवर डिफेंस फोर्स सो अगर हम अदर एक्सरसाइज की बात करें विद क्वाड कंट्रीज सो इंडिया जापैन विच इज़ ए नेवल एक्सरसाइज एंड शीनू माइत्री विच इज़ एयर फोर एक्सरसाइज एंड धर्मा क्वाडियन विच इज़ ए मिल्टी एक्सरसाइज दीज आर द इंडियन इंडो जापानीज नेवल एंड मिलिट्री एंड एयरफोर एक्सरसाइज अगर हम भारत और यू एस ए की बात करें तो युद्ध अभ्यास दोनों की आर, इंडिया और यू एस की आर्मी के बीच में होता है वज्र प्रहार इट इज़ अगेन विद द मिलिट्री ऑफ बिथ्वीन द मिलिट्री ऑफ इंडिया एंड यू एस spitting cobra, sangam, red flag and India. these are all the bilateral uh, military exercises or air force exercises between india and usa, our bharat karna, australia or bharat ki, the aussie index, which is a maritime naval exercise, Austra hind, which is again uh, one of the uh, military uh, uh, exercise uh, with these two countries, within b between these two countries, and pitch black passage exercise, which is pasex. it is also, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सो ये भारत के इन तीन देशों के साथ जो मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज हैं उनके बारे में हमने बात करी तो अगर हम क्वाड की बात करें अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स ए फोर नेशनल अलाइंस ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच वॉज अस्टैब्लिश्ड वे बैक इन टू एंड इट इज ऑल्सो डब्ड एज एन एजियन और मिनी नाटो सो नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की और uh, जो मिलिट्री uh, एक्सरसाइजिज uh, करती है और एक तरह से आप कह सकते हैं इट कंट्रोल्स द मिलिट्रीज ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड इट इज़ कंट्रोल्ड मेजरली बाय यूएसए एंड बात करें तो क्वाड जो है इट इज़ आल्सो कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द इट इज़ एशियन नाटो यू कैन से सो इट इज़ एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज़ मिलट्री एंड इकोनॉमिक क्लाउट इन द इंडो पैसिफिक रीजन सो so, दोस्तों आज के हमने इस लेक्चर में आ, दो पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की बात करी आशा करता हूँ कि आप हमारे करंट अफेयर्स को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियोस को और हमारे यूट्यूब चैनल को और आशा ये भी करता हूँ कि जो भी हमारे तरफ से अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस में इम्प्रूवमेंट हो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन वी विल ट्राई टू इम्प्रूव फॉर योर सेक थैंक यू वेरी मच बाय